हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल ट्रिकी स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स बता दो कि आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर का रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो अभी तक मुझे स्टूडेंट के द्वारा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन की जानकारी मिली है उसमें से मैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में एकदम से शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिएगा जरूर कि कैसे कैसे मैं आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। और मैं बता दूँ कि करंट अफेयर जीके और साइंस का क्वेश्चन मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ जिसमें कि बहुत रिपीट किया गया है पहला शिफ्ट का, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं बता दोस्तों कि अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग तक तुरंत पहुंच सके। और मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का क्वेश्चन को अपलोड करता हूं दोस्तों, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर ही कर ले। तो चलिए देखते हैं कि आज मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैथ और रीजनिंग में क्या पूछे गए। आज का जो पहला प्रश्न बताने वाला है वह है, बोला था कि 11:54 समय दे दिया था और बोला कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा या यह क्वेश्चन जो है सभी लगभग प्रत्येक सीट में यह क्वेश्चन जो पूछे जा रहा है कि एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, यानी कि मिनट और घंटे के बीच का एंगल कितना होगा। तो इसका एक सीधा फार्मूला होता है, मैं कई बार बताया और फिर आज मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे निकाल। इसका एक फार्मूला होता है कि 30h - 11/2m, ठीक है, 30h - 11/2m। तो यहाँ पर h जो हो गया यहाँ पर घंटा को बतलाता है और m को मिनट को बतलाता है। तो घंटा के स्थान पर घंटा रखेंगे और मिनट के स्थान पर मिनट। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 30 और घंटा कितना है, यहाँ पर 11, तो 11 कर देंगे माइनस 11/2। अब मिनट कितना है यहाँ पर 54, तो यहाँ पर 54 कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 54 कटेगा कितना हो जाएगा 27, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 330 हो जाएगा, 11 को 3 से गुना करेंगे तो 330 हो जाएगा। माइनस 27 को अगर हम 11 से वहाँ पर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 11 को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसमें भी 11 है इसमें भी 11 है, अगर 11 को कॉमन ले लें कितना हो जाएगा 30 - 27, तो कितना बचेगा, तो 30 में 27 गया तो 3 बचा, तो 11 × 3 यानी कि 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 डिग्री इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रैट का मिरर इमेज, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से रैट लिखा हुआ था और यहाँ पर एक मिरर दे दिया हुआ है, इसका बोलता है मिरर इमेज क्या होगा। तो इधर बन जाएगा इसका टी ए इस तरह और सिर्फ आर क्या होता चेंज हो जाता, यानी कि आर इस तरह से बन जाता, ठीक है। तो आर जो है इस तरह से कुछ बन जाता इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर एग्जैक्ट होता, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखें तो सबसे पहले वाटर मिरर जो मिरर है देख ले, क्योंकि प्रत्येक दिन इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया, सिंपल दिया आर बराबर 18, तो डबल बराबर क्या, तो देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकल में आर का वैल्यू 18 होता है। आप लोग ए बी सी डी करके जोड़ देख लीजिएगा गिन के कि 18वां बार में आर आता है। तो इसी प्रकार डब्लू जो है 23वां बार में आएगा, कितना 23वां बार में। अगर नहीं आ सकते हैं डब्लू को ही उल्टा करके देख लीजिए, ऐसे ये 3 लिखा हुआ यानी कि 23 आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए 4, 16 एक रीजनिंग का क्वेश्चन, 4 हो रहा है फिर 16 फिर 36 फिर 64, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा। तो 4 जो है 2 का स्क्वायर हो गया 4, उसके बाद देखिए फिर 16 4 का स्क्वायर फिर 36 6 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 करके बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर 64, तो अब क्यूआर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो इसका आंसर क्या होगा 100, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया 2 फरवरी 2015 को संडे था तो 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर 2 फरवरी 2015 को संडे था तो 65 दिन बाद कौन सा होगा। सबसे पहले एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 65 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, इसको घटा दीजिए कितना कितना सप्ताह का उसको घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि सप्ताह में दिन रिपीट करते रहता है। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 67, 56, 57, 63, 63 हो जाएगा। यहाँ पर शेष कितना बचेगा 2, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 2 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाएगा। संडे था 2 फरवरी को, तो 2 दिन बाद 4 फरवरी हो जाएगा। तो 4 फरवरी को कौन सा दिन होगा, मंडे ट्यूसडे होगा, यानी कि मंगलवार होगा 4 फरवरी को, ठीक है। तो यही होगा आंसर इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया। यहाँ पर दिया CP = 400, ठीक है, तो लॉस बराबर 65%, तो SP कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस मांग रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सेलिंग पर साइड में यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस जो होगा उस पर क्या होगा देख लेते हैं। इसका 65 निकाल देंगे, 65% लॉस है, तो SP कितना है, तो 65% लॉस किया तो SP कितना होगा, यही ना ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 35 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 65% लॉस कर गया तो 35 हो जाएगा, ठीक है, 400 × 35/100, ठीक है, 100 कट गया, 35 से 4 को गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह का और जो वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग तो तुरंत मिल सके, आप लोग देख सके उसको, ठीक है। और मैं एकदम से शॉर्ट सॉल्यूशन बताता हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर दिया है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 और HCF